नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोमनेक्स ट्रेवल्स में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी ग्वालियर सीरीज। इस पूरे टूर में आप देखेंगे ग्वालियर के बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस हमारे साथ। तो इस सीरीज की पहली वीडियो में आप देखने जा रहे हैं हमारी जर्नी फेमस ताज एक्सप्रेस में दिल्ली से ग्वालियर तक की। आपको इस वीडियो में मिलेगी इस ट्रेन की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। इस समय बज रहे थे सुबह के 6। ये है दिल्ली का फेमस कनॉट प्लेस इलाका। अगर आप दिल्ली साइड से बिलोंग करते हैं तो इस इलाके को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ताज एक्सप्रेस का टाइमिंग 6:55 पे सुबह नई दिल्ली से होता है डिपार्चर का, लेकिन आज कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से इसको निजामुद्दीन से ही चलाया जा रहा था, जिस वजह से हमें भी निजामुद्दीन जाना पड़ा, जबकि हमारी टिकट थी नई दिल्ली से। नई दिल्ली स्टेशन से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक की दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर की है। रास्ते में आपको कनॉट प्लेस, इंडिया गेट जैसे फेमस इलाकों से गुजरना पड़ता है। ये दिल्ली का VIP इलाका माना जाता है। सुबह के समय सड़कें खाली थी, जिस वजह से 15 मिनट के अंदर ही हम नई दिल्ली से निजामुद्दीन बाई रोड पहुंच गए। निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर आप ये भारी भीड़ देख सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए ताज एक्सप्रेस के पास। आज हमारी यात्रा होनी थी इस ट्रेन के नॉन एसी क्लास में, जिसको 2S कहा जाता है। इमरजेंसी में टिकट होने की वजह से इसके चेयर कार में हमें सीट नहीं मिली, तो हमने आज 2S क्लास में ही यात्रा करने का फैसला किया। तो अपने निर्धारित समय से ये ट्रेन तकरीबन 7:15 बजे निजामुद्दीन स्टेशन से चल पड़ी। आप इसका डिपार्चर यहाँ से देख सकते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ये ट्रेन नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन तक चलती है डेली। बीच में 10 स्टॉप पे ये ट्रेन रुकती है, जो है निजामुद्दीन, फरीदाबाद, मथुरा, राजा की मंडी, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, डबरा और दतिया। नई दिल्ली से झांसी तक का ये सफर है टोटल 410 किलोमीटर का, जिसको ये ट्रेन तकरीबन 7 घंटे में कवर करती है। इस ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड है 59 किलोमीटर पर आवर। इसमें 2 क्लास हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सेकंड सीटिंग और AC चेयर कार। सेकंड सीटिंग का फेयर है इसका नई दिल्ली से झांसी तक ₹170 और चेयर कार का फेयर है ₹600 नई दिल्ली से झांसी तक। इस ट्रेन को पहली बार साल 1964 में दिल्ली से आगरा तक चलाया गया था। भोपाल शताब्दी के पहले, जो कि 1988 में लॉन्च हुई, उसके पहले ये ट्रेन इस रूट की सबसे अच्छी ट्रेन मानी जाती थी। बेसिकली इस ट्रेन को मुंबई से पुणे के बीच चलने वाली डेक्कन क्वीन ट्रेन की तर्ज पे चलाया गया था, जो कि छोटे डिस्टेंस की आरामदायक ट्रेन मानी जाती थी। बातों बातों में देखिए दोस्तों, इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट मथुरा जंक्शन आ गया था। मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा जंक्शन पॉइंट माना जाता है, जहां से 7 लाइनें अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी है और एक बहुत फेमस दर्शनीय स्थल है भारत का। दिल्ली से मथुरा या आगरा जाने के लिए ये ट्रेन बेस्ट मानी जाती है कम बजट में। अब आप देखिए, मथुरा के आगे इस ट्रेन को भोपाल शताब्दी ने ओवरटेक किया। साल 1985 में इसको तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर तक एक्सटेंड कर दिया गया, और इसके बाद साल 2006 में फाइनली इसको झांसी तक बढ़ा दिया गया, जहां तक ये अभी भी चल रही है। आप इस ट्रेन के अंदर का इंटीरियर देख सकते हैं, और ये देखिए, अब आ गया राजा के मंडी रेलवे स्टेशन, जो कि आगरा से पहले पड़ता है। इस ट्रेन का तकरीबन हर स्टेशन पे 2 मिनट से ज्यादा का हॉल्ट नहीं है। तो लीजिए, अब आ गया फेमस आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आगरा में ही है फेमस ताजमहल, जो कि दुनिया का 7वां अजूबा है, और इस ट्रेन का नाम भी ताजमहल के नाम पे ही ताज एक्सप्रेस रखा गया है। आगरा में अब हमें लगी थोड़ी भूख, हम लाए थे घर से अपना ब्रेकफास्ट, तो हमने ट्रेन में ही इसका आनंद लिया विंडो सीट पर बैठ के।
नॉन एसी ट्रेन में घूमना भी अपने आप में एक अलग रोमांच है। ये ट्रेन पूरी तरह से चेयर कार है, इसमें आपको स्लीपर बर्थ नहीं मिलेंगी। ये डे ट्रेन है तो इस वजह से इसमें स्लीपर कार के कोच नहीं दिए गए हैं। ये एक दिन में ही जाती है झांसी और उसी दिन सेम डे लौट के दोबारा से नई दिल्ली पहुंच जाती है। ये ट्रेन लो बजट में इस रूट पे ट्रेवल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जो दूसरी ट्रेन हैं उसका चार्ज थोड़ा ज्यादा है। डे ट्रेन के मामले में ये ट्रेन भोपाल शताब्दी और वंदे भारत के साथ साथ चलती है। उन ट्रेनों का किराया इसके मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। इस ट्रेन में आप काफी कम खर्च में ये पूरी जर्नी कवर कर सकते हैं। तो अब बातों बातों में पहुंच गए थे हम राजस्थान के धौलपुर स्टेशन, जहां से हमने स्टेशन से समोसे लिए जिनका स्वाद ठीक ठाक ही था। अपने छोटे से सफर में ही ये ट्रेन तकरीबन 5 स्टेट्स को क्रॉस करती है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हम क्रॉस कर रहे हैं चंबल नदी, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। अब हम पार करके आ गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। अब आने वाला है मुरैना स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिए, ये सरजमीन है मध्य प्रदेश की। सिर्फ 1 मिनट पहले हम लोग थे नदी के पहले राजस्थान में। कितना अद्भुत ये सफर है और कितना डाइवर्स हमारा भारत है। अब हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी मुरैना स्टेशन पे, जो कि मैं पहले बता चुका हूं पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। देखिए आप मुरैना स्टेशन की ये तस्वीरें। दोस्तों, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम क्रिएट करें। कम संसाधनों में कम समय होने के बावजूद हम अपनी तरफ से पूरी जी जान से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। ग्वालियर सीरीज में भी आप हमारी मेहनत को देखेंगे। हम आपके लिए यहाँ के सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे कर लें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी इन्हें जरूर किया करें। तो लीजिए दोस्तों, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन अब आने वाली थी, ये है ग्वालियर रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन यहाँ पर राइट टाइम पे पहुंच गई थी। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, अपनी इस यात्रा को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।